आपका ये जज्बा, ये नौजवानों का ये जज्बा, इन अपनी बहनों का ये जज्बा, इन बुजुर्गों का ये जज्बा, इस जज्बे में मैं पाकिस्तान की तकदीर को बदलते हुए देख रहा हूं। मुझे एक इसमें रोशन पाकिस्तान नजर आ रहा है और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। इन नौजवानों की तकदीर बदलेगी, पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, पाकिस्तान का निजाम बदलेगा। और आप हमेशा अपने जहन में, अपने दिल में ये दो बातें याद रखा करें हमेशा। आप मेरे साथ हमेशा ये दो बातें याद रखा करें। जब भी मुझे किसी इम्तिहान का सामना होता है, जब भी मुझे किसी इम्तिहान का सामना होता है, मैं दो चीजें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। और आज भी नवाए वक्त में ये लिखा हुआ है, आप उसको उसको संभाल कर रखें। और हमेशा जिंदगी में फैसला करते वक्त इस बात को कभी ना भूलें, और वो ये है, ऐ तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। मेरे साथ मिलकर ये कहो, मेरे साथ मिलकर ये शेर पढ़ो, ये अलामा इकबाल का शेर है। आज आप ऐवाने इकबाल में बैठे हुए हैं, ये इकबाल के नाम से इस हॉल को मंसूब किया गया है। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, इसको अपनी जिंदगी का शेवा बनाएं, अपनी जिंदगी का नस्बुलैन बनाएं। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, ऐ तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। इसको अपने जिंदगी का नस्बुलैन बनाएंगे, पाकिस्तान की इसी से तकदीर बदलेगी। और मुझे कुछ पूछता है तो मैं कहता हूं, अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, कि जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। मेरे भाइयों, और फिर कौन नहीं जानता बादल से दबने वाले, ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मेरे भाइयों, अपने ईमान को मजबूत रखो, अपने अल्लाह पे भरोसा रखो। कोई अमेरिका आपकी मदद को नहीं आएगा, हमें अपने पांव पे खुद खड़े होना है, अपनी तकदीर का फैसला खुद करना है।